हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। 150 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहे हैं, 5% की तेजी आई है। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये टूट रहा था, आधा हो गया था। ये 290 रुपए से टूट कर ये 140 रुपए तक आ गया था ये, लेकिन आज दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है। आधा हो गया था ये, दोबारा तेजी आई है और उसकी वजह भी है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा टेली सर्विस का शेयर 150 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें 27% की गिरावट है। 290 रुपए का शेयर था ये, 142 रुपीज तक गया। आज तेजी दिखाना शुरू कर दिया है इसने। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में टाटा टेली सर्विस के शेयर में अभी भी 680% का अच्छा ग्रोथ है। 11 रुपए का शेयर था, देखो तेजी बनी, टूटा। देखो हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटता है, ठीक है, करेक्शन आता है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं आता है, आधा नहीं होता है। ये 30% के आसपास का करेक्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ता है। लेकिन इस बार तेजी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया 34 रुपए का शेयर 290 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग की सबसे पहली जो मतलब गिरावट की जो सबसे पहली वजह थी वो यही थी कि इनको पैसा चुकाना है सरकार को, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, एजीआर ड्यूज का, ठीक है। और खबर आई थी उस वक्त कि भैया जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के साथ सरकार ने डील करी कि ठीक है भैया पैसा मत दो, उसी जगह हम आप में इक्विटी ले लेंगे, सेम चीज यहाँ पर टाटा टेली सर्विस को लेकर भी खबर आई थी और यही वजह थी कि उसने टूटना शुरू किया। और दूसरी वजह ये भी थी कि भैया बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा इसने तेजी दिखा दी थी। इवन ये वो कंपनी थी जिसका वैल्यूएशन जो है, जिसका मार्केट कैप है सॉरी, वो 50,000 करोड़ पर पहुंच गया था। जो टाटा कम्युनिकेशन जो 1,200 रुपए का शेयर है उससे ज्यादा चला गया। तो जाहिर सी बात है कि भैया गिरावट आनी लाजमी थी और वही आई है, लेकिन तेजी दोबारा देखने को मिली क्योंकि फाइनली टाटा टेली सर्विस वोंट कन्वर्ट एजीआर ड्यूज इन इक्विटी। टाटा टेली सर्विस ने कहा कि भैया पैसा दे देंगे लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टाटा, और ये जो खबर थी वो कल शाम को आई है। बोर्ड ऑन 1 फरवरी डिसाइडेड टू नॉट कन्वर्ट द एजीआर ड्यूज इनटू इक्विटी एज इंटरेस्ट अमंग एलिजिबल फॉर द कन्वर्जन इज मच लेसर देन व्हाट कंपनी कैलकुलेटेड। तो बहुत अच्छी बात है, ये जो डाइल्यूशन जो होने की आशंका थी वो नहीं होने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है और आज उसका असर भी देखने को मिला कि जो लगातार गिरावट थी आज वो रुकी जरूर है। लोगों को शायद थोड़ी सी राहत पहुंची होगी आज के दिन में, भयंकर गिरावट चल रही थी इतने दिनों से। और एक चीज है कि जब टूटता है लगातार टूटता है, जब दौड़ता है लगातार दौड़ता है, तो उस चीज को भी याद रखिए, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। और हर आपको चैनल पे यही चीज देखने को मिलेगी, भैया अच्छी बात है कि एजीआर ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हालांकि 51% का क्रैश ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। यहाँ पर टाटा टेली सर्विस की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो इसका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन तकरीबन अभी 35 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर हम जाते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर तो 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। 0.79% एफआईएस, 0.02% म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी यहाँ पर हाथ नहीं डाल रही है, हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 77% लोग खरीदने की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू लगातार टूटे हैं इनके, ठीक है, लेकिन अब लगता है कि थोड़े बहुत स्टेबल होते नजर आएंगे। और 1,000 से 1,200 करोड़ के रेवेन्यू आपको साल 2022 में देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट अभी भी नहीं है और अभी भी एटलीस्ट इस कंपनी को प्रॉफिट में आने में अभी 2-3 साल और लग जाएंगे, क्योंकि देखो अभी अगर हम बात करें लॉसेस की तो लॉसेस बड़े हैं इनके, ठीक है, एकदम से सब कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा, ठीक है, काफी वक्त लगेगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, कंपनी की जो मेन यूएसपी है, कंपनी की जो मेन सबसे पॉजिटिव चीज है वो भैया टाटा की सुपर ऐप है, ठीक है। देखो बहुत कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और काफी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, भैया कब से ये लोग एक्सटेंड करें, कब से, 1 साल हो गया। ये एक्चुअल में सुपर ऐप लॉन्च होनी थी 2020 में, लॉन्च होनी थी ये, उसके एंड में लॉन्च होनी थी, पूरा 2021 निकल गया, सुपर ऐप लॉन्च नहीं हुई, डिले होती रही।
और अब 2022 भी आ चुका है, अभी भी सुपर ऐप के लॉन्च की कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि ये जरूर है कि टेस्टिंग चल रहा है, कुछ एम्प्लॉयज है जो अभी भी उनके पास एक्सेस है, कंपनी के एम्प्लॉयज के पास एक्सेस है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं वो उन सारी चीजों का। लेकिन भैया बहुत लंबा वक्त हो गया, बहुत लंबा डीले। देखो लॉन्चिंग की बात अलग है लेकिन डीले है, ये 1 साल से भी ज्यादा का डीले हो गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगेन मैं कहूंगा कि अगर खबर आ गई सुपर ऐप के लॉन्चिंग की तब तो फट जाएगा ये, ठीक है, लेकिन जब तक खबर नहीं आती है ये इसी तरीके का तेजी और गिरावट वाला चूहे बिल्ली वाला खेल खेलता रहेगा। जब तेजी आएगी लगातार भागेगा, जब टूटना शुरू होगा लगातार टूटेगा ये। यहां पर अगर हम बात करें तो स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात की तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और एफआईज भी धीरे धीरे अपनी एंट्री यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूं तो देखो सुपर ऐप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट जरूर है, लेकिन ये मानना कि सुपर ऐप यही लोग मैनेज करेंगे ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। सुपर ऐप के लिए देखो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो होने वाला है और उसका जो मैनेजमेंट है वो एक कंपनी नहीं दो तीन कंपनियां हैंडल कर सकते हैं, और उसमें से एक टाटा टाटा टेली सर्विस भी हो सकती है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि कंपनी जो है वो अपने आप को रिवैम्प भी कर रही है और दोबारा कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू लेकर भी आ सकती है। कंपनी अपने पुराने बिजनेस को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रही है और मैनेजमेंट जो है टाटा का वो काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है, काफी ज्यादा जो पैसा है वो स्पेंड भी कर रहा है इन सारी चीजों में। तो मेरे हिसाब से देखो बर्बाद तो नहीं होगी, ठीक है, टूटेगा जरूर इस तरीके से, लेकिन दोबारा जब भागना शुरू करेगा तो लगातार ये भागता चला जाएगा। तो अभी के लिए देखो बेचने की तो अब कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, होल्ड ही करना चाहिए इसे। खरीदारी के मौके की जहां तक बात है, हाँ मुझे लगता है कि मौके बन सकते हैं यहाँ पे खरीदारी के, लेकिन मिलेंगे नहीं अब क्योंकि अब लगातार भागना शुरू कर देगा ये। बीच बीच में अगर मिले तो टुकड़ों में धीरे 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 करके ऐड करके चल सकते हो। और हाँ देखो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे प्लान रखना चाहिए क्योंकि जिस दिन सुपर ऐप की लॉन्च की जाएगी, देखो लॉन्च होगा तो जरूर सुपर ऐप, ठीक है, लॉन्च होगा जरूर। और देखो यार टाटा अपने सारे बिजनेसेस को ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, रिवैम्प कर रहा है। ऐसे में भैया ये अगर अपना टेलीकॉम को भी कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ अच्छे तरीके से रिवैम्प कर दे तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, छोटी मोटी कंपनी नहीं, पोटेंशियल जरूर है इसमें, लेकिन अभी के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। जो ट्रेड कर रहा है वो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि भैया फ्यूचर में ये होने वाला है तो ये होगा। तो अगेन जो सपना दिखाया जा रहा है अगर वो सच हुआ तो तेजी आएगी, ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो ये डूब भी जाएगा। तो उस चीज को याद रखिए, रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन देखो जनरली टाटा कोई सपना दिखाता है तो इतना जल्दी तोड़ता नहीं है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये जो डिसीजन लिया गया है इक्विटी वाला सरकार के एजीआर ड्यूज का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।